दिल्ली में आयोजित 29वीं चरणजीत राय नेहरू गर्ल्स अंडर 17 राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में विजेता रही झारखंड की टीम का रांची लौटने के दौरान खलारी स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। यह टीम दिल्ली से ट्रेन से खलारी पहुंची और खलारी में सभी खिलाड़ी का स्वागत किया गया, जिसके बाद टीम सड़क मार्ग से वापस रांची लौटी। खलारी पहुंची टीम का खलारी सिविल सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा माला पहनाकर स्वागत और सम्मानित किया गया। ये कैप्टन बाबू आज मैन कोच मैनेजर को करिए सर, और चलिए ठीक है जी। तुमने हम भी ले लेंगे। एक मिनट और कुछ हम बुक वीडियो भी हाँ, एक बार चले मोबाइल में वीडियो 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 ले लो। चलो सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि हम लोग आप लोग इतना अच्छा स्वागत किए, और हम लोग रनर होके आए हैं मिजोरम के साथ। सबसे पहले हम लोग असम के साथ खेले थे, उसमें भी हम लोग विनर हुए थे। उसके बाद हम लोग NCC हरियाणा के साथ खेले थे, उनको भी हम लोग जो लास्ट ईयर चैंपियन थे उनको भी हम लोग हरा कर हम लोग सेमीफाइनल में उतरे। उसके बाद हम लोग नोएल टाटा हॉकी एकेडमी उड़ीसा को भी हम लोग बीट किए, उसके बाद फाइनल उतरे। हम लोग मिजोरम के साथ फाइनल में रनर रहे। छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम लोग उन गलतियों को जरूर सुधारेंगे, और अगली बार हम लोग जरूर चैंपियन होंगे। थैंक यू। सिमडेगा राजकीय कृष्ण उच्च विद्यालय सिकेदार सिमडेगा की फिजिकल टीचर हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सब हमको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम लोग सोचे भी नहीं थे कि आप लोग यहाँ पर आएंगे और हम लोग का स्वागत करेंगे, लेकिन आप लोग आए और हम लोग का स्वागत किए, फूल माला दिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो भी बोलना था दीदी और सलमी बोल ली, तो थोड़ा छोटा छोटा गलती में इस बार हम लोग को थोड़ा सा क्या बोलूँगी, मतलब खुश तो होने का ये नहीं मिला, फिर भी हम खुश हैं। उतना देर हम लोग दुखी आए, लेकिन यहाँ पहुँच के आप लोग ने हम लोगों की खुशी बढ़ा दी, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी छोटी बड़ी गलती हुई है उसको सुधारते हुए अगले साल हम लोग जरूर जीत कर ही झारखंड वापस आएंगे। धन्यवाद। मैं करुणा पूर्ति, राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, एज ए कोच अवसीय हॉकी प्रशिक्षण केंद्र बरियातू रांची। और तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ खलारी के जो खेल प्रेमी हैं और यहाँ पत्रकार बंधु हैं, मीडिया बंधु हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम लोग कभी सोचे ही नहीं थे कि हम लोग रनर होने के बावजूद भी आप लोग इतना हम लोग का जोरदार स्वागत होगा, लेकिन हम लोग बहुत खुश है। और हमारे जो खिलाड़ी है बहुत अच्छा ही खेली, अपना पूल में असम थी और NCC का टीम थी और झारखंड की टीम थी, तो अपना पूल से हम लोग निकलने के बाद जो लास्ट ईयर रनर थी नहीं विनर थे उन खिलाड़ी को भी हम लोग हरा दिए। उसके बाद हम लोग सेमीफाइनल पहुँचे। सेमीफाइनल हम लोग उड़ीसा नवल टाटा एकेडमी का टीम, जो बहुत मजबूत टीम होती है और बहुत ही अच्छा टीम रहती है, तो उन टीम को भी हम लोग सेमीफाइनल में हरा करके हम लोग फाइनल हम लोग मिजोरम से खेले। मिजोरम के साथ भी टक्कर का गेम खेली है बच्चे, और ये 4-3 का स्कोर रहा है। हारने का कुछ थोड़ी छोटी मोटी गलतियां हमारे बच्चों में हुई है, इस वजह से हम लोग जीत हासिल नहीं कर पाए, गोल्ड नहीं लेकर आए, लेकिन हम लोग सोचे हैं कि उस गलती को सुधार करके आने वाला साल में हम लोग अवश्य है हम लोग विनर होकर आएंगे आने वाला साल में। आपको बता दें कि झारखंड शिक्षा परियोजना स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग पहली बार नेहरू कप प्रतियोगिता में हम लोगों ने भाग लिया, और राजकीय बरियातो बालिका विद्यालय की ये टीम है, और जो पूरे हम लोग ने पहले प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर ये टीम
बनी और फिर ये राष्ट्रीय स्तर पर खेली और आपने देखे कि हमारे कोच मैनेजर और हमारी जो कप्तान है बताएं कि कितनी बड़ी बड़ी टीम और जो चैंपियन टीम थी हरियाणा उसको भी हराए हम लोग। थोड़ी सी चूक हुई हम लोग, इसलिए हम लोग विनर नहीं हुए, लेकिन हम लोग की बच्चियों की जो हौसला है आप देख रहे हैं कि अगले बार हम लोग जरूर चैंपियन और दुनिया में कुटी के मतलब हॉकी के क्षेत्र में हम लोग हमेशा आगे रहे हैं झारखंड। और खिलाड़ी में आप लोगों ने इस तरह से हम लोगों का स्वागत किया, इसलिए भी बहुत धन्यवाद। और हम लोग अगले बार जरूर चैंपियन होंगे और हमेशा हॉकी के लिए हम लोग झारखंड को अव्वल रखेंगे पूरे दुनिया में। मैं चंद्रदेव सिंह, झारखंड शिक्षा परियोजना खेलकूद कोषांग, धन्यवाद।